हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सो आज का वेदर बहुत ही अच्छा है, प्लेजेंट सा है और आज काफ़ी बारिश हुई है और आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा थोड़ा सा उजेला सा हो रहा है क्योंकि एकदम बादल हो गए थे और एकदम से अंधेरा हो गया था, तो सारा जो वेदर था ना एकदम अंधेरे वाला हो गया था और बहुत बारिश हुई है आज। तो बारिश का तो हमने नहीं शूट किया, आज हमने ऐसे ही बारिश के बाद का शूट किया है। तो ये सनसेट टाइम है और ये बहुत ही अच्छा वेदर हो गया था और अब थोड़ी सी ठंडक होने लगी है। अभी इतनी तेज़ गर्मी है बाहर और आज थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि कल और आज काफ़ी अच्छा पानी गिरा है, तो वेदर बहुत अच्छा है। सो अब वेदर बहुत अच्छा है तो चलिए हम आपको त्रिशिका से मिलाते हैं और त्रिशिका अपने डॉग को किस तरीके से फूड दे रही है, फीड करा रही है, वो आपको दिखाते हैं। जो ये बच्चे होते हैं ना, वो आज जैसे जैसे आप करते हो वैसे वैसे ही वो आपको देख के करते हैं। सो चलिए देखते हैं। यहाँ पर चाय का टाइम हो गया है, सो हमने चाय भी थोड़ी सी बना ली थी और हम लोगों ने चाय भी ले ली थी और इसके साथ अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रेसिपी। और रेसिपी में आज हम शेयर करेंगे पालक पनीर, बट उससे पहले हमने अपने घर में दो एडिशन किए हैं। तो ये एक फ़ोटो फ्रेम है जिसमें हमने त्रिशिका के फर्स्ट बर्थडे की सारी पिक्चर्स जो भी हमें बहुत अच्छी लगी वो हमने ऐड की हैं और ये हमने बिल्कुल एंट्रेंस पे लगाई हैं। आप देखिए, ये सारी फर्स्ट बर्थडे की पिक्चर्स हैं। अगर आपने त्रिशिका का फर्स्ट बर्थडे वाला ब्लॉग नहीं देखा या उसका वो वीडियो नहीं देखा तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हो। हमने फर्स्ट बर्थडे की भी उसकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ऐड की हैं और ये एक फ़ोटो फ्रेम है जो कि हम काफ़ी अच्छा एक लेके आए थे। ये थोड़ा कॉस्टली है बट ये यहाँ पर हमने बेडरूम के एंट्रेंस पे लगाया है, ये बहुत ही सुंदर हम लोगों को लगा और यहाँ पर एकदम बढ़िया सा सूट कर रहा था, सो हम इसको भी लेके आए हैं। और ये हमने बेडरूम की जो छोटी सी एक गैलरी सॉर्ट ऑफ है वहाँ पर हमने इसको लगाया है। सो ये दो चीज़ें हमने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही लगाई हैं, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दें। अगर आपको पसंद आई हों तो आप भी बता सकते हो कि आपको ये कैसी लगी। ये सीनरी है एक और फ़ोटो फ्रेम तो त्रिशिका के फर्स्ट बर्थडे का है, हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे अगर आपको इन केस देखना हुआ उसके फर्स्ट बर्थडे का वीडियो तो, और सेकंड बर्थडे वाला वीडियो उसका भी हम शेयर कर देंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर देख सकते हो। सो यहाँ पर हम बना रहे हैं पालक पनीर। सो इस पानी में हमने पहले पनीर को बॉईल किया था थोड़ा सा, गर्म पानी में पनीर को डाला था और पनीर को निकालने के बाद हम इसी पानी में ऐड कर रहे हैं पालक। सो ये वॉश्ड है स्पिनिच और इसको हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ी देर इसको अच्छे से हीट अप होने देंगे। आप चाहो तो गैस को बंद कर सकते हो बट फ्रेंकली स्पीकिंग हम थोड़ा सा पानी को और गर्म करते हैं क्योंकि पालक तो ठंडी होती है, थोड़ा सा और गर्म करते हैं। जब ये अच्छे से नीचे बैठ जाती है देन फिर हम गैस को बंद करते हैं और इसको निकाल के और ठंडे पानी में ऐड करते हैं, देन हम इसको पीस लेते हैं। तो जब आप इसको इस तरीके से पीसेंगे तो इसकी बहुत ही एक बढ़िया सी प्यूरे तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी अपना कलर लॉस नहीं करेगी और बहुत अच्छी ग्रीन सी प्यूरे इसकी बन के तैयार होगी। सो ये पूरा प्रोसेस हम आपके साथ किसी और एक वीडियो में शेयर करेंगे और यहाँ पर हम आपको डायरेक्टली ले चलते हैं कि सब्जी कैसे बनानी है। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा पानी जब अच्छे से बॉयल हो जाएगा बस हम इसमें इसको इसमें निकाल इसमें से निकाल लेंगे। अब थोड़े से पानी में हमने यहाँ पर प्याज को भी ब्लांच सॉर्ट ऑफ किया है, गर्म पानी में इसको भी डाला है जिससे इसकी जो तीखापन है वो कम हो जाए। और अगर आप चाहो तो बिना प्याज के भी बना सकते हो बट हमने इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड की थी। सो यहाँ पर हमने ये प्याज को भी निकाल लिया है पानी से और थोड़ा सा छलनी में रख दिया है जिससे कि एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए।
यहाँ पर हम थोड़ा सा सेम पैन में बेसन को भून रहे हैं। सो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट ये डिफरेंट स्टाइल से हम बना रहे हैं। सोचा ढाबा स्टाइल है, आपके साथ भी शेयर कर दें। यहाँ पर हमने 3 से 4 टेबल स्पून बेसन लिया है और उसको बस ड्राई रोस्ट करके भून लेना है। और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इसको हम साइड में निकाल लेंगे। इन अ सेम पैन हम ऐड कर रहे हैं इसमें ऑयल, और ऑयल में हम अच्छे से थोड़ा सा इसको गर्म हो जाने देंगे। देन हमने कुछ पनीर के क्यूब्स काट के रखे हुए थे, हम उनको ऐड करेंगे इसमें। सो यहाँ पर ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें अब हम ऐड कर रहे हैं पनीर के बड़े बड़े टुकड़े हमने काट के रखे थे क्यूब्स में उनको। तो आप चाहो तो बिना इनको थोड़ा सेके भी ऐड कर सकते हो, बट हम इनको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेते हैं। हमें थोड़ा सा शैलो फ्राई अच्छे लगते हैं पनीर। अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल रॉ भी ऐड कर सकते हो, बस गर्म पानी में ऐड करके और रॉ ऐड कर दो। लेकिन हम इनको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका टेक्सचर तभी अच्छा लगता है, थोड़ा सा अच्छी बॉडी सी मिल जाती है। और हल्का सा इसमें हमने नमक भी ऐड किया है जिसमें पनीर जो है वो फीके से ना रहें। और बस अब इनको हम बढ़िया से टॉस कर लेंगे और इनको साइड में निकाल लेंगे। अब हमने सेम पैन में, इसमें थोड़ा सा वही पनीर ही रह गया है, सो हमने सेम पैन में सेम ऑयल में हमने थोड़ा सा ऐड किया है जीरा, क्यूमिन सीड, असाफटीडा हींग, और इन दोनों को थोड़ा सा अच्छे से तड़क जाने देंगे ऑयल में, क्योंकि हम पालक पनीर में हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करते। सो ये अच्छे से जब अपना फ्लेवर ऑयल में ऐड कर देंगे, छोड़ देंगे, देन हम अपनी जो हमने प्याज को है ब्लांच किया था उसको पीस के रखा है, अब उसको ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो प्याज है वो अच्छे से सिक जानी चाहिए, पहले हम इसको थोड़ा सा ब्लांच सॉर्ट ऑफ कर चुके हैं, बट फिर भी हम इसको बहुत अच्छे से सेकेंगे जब तक कि ये बिल्कुल पैन ना छोड़ने लगे। सो यहाँ पर हमने थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दिया है और अब प्याज को बहुत अच्छे से हीट पर सेकेंगे जिससे कि ये बिल्कुल अपना पानी छोड़ दे और पानी को सुखा दे, और जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, नहीं तो ये पैन छोड़ने लगे मसाला। अब ज़्यादा आप डालोगे ऑयल तो पैन वो सेपरेट करेगी ऑयल, नहीं तो नहीं करेगी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ऑयल या बटर इसमें नहीं यूज़ किया। अब जो हमने सेक के रखा था बेसन, उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, और अब प्याज के साथ बेसन को बहुत अच्छे से हम सेक लेंगे जिसमें कि कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे कि कोई फ्लेवर अलग है कोई, अच्छे से सारी चीज़ों को एक साथ सेकने से बहुत अच्छे से चीज़ें ब्लेंड हो जाती हैं। सो यहाँ पर हम बेसन को प्याज के साथ थोड़ा सा सेक लेंगे और इसको वो जब तक सेकेंगे जब तक ये पैन ना छोड़ने लगे और प्रॉपर अच्छे से सिक ना जाए। सो बस अभी जितना भी टाइम ये लेगा मसाला, इसको लो टू मीडियम हीट पर हमें सेकना है, और अच्छे से जब ये सिक जाएगा तो ये अपने आप पैन छोड़ने लगेगा, तब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर हम सिर्फ टर्मरिक पाउडर ऐड कर रहे हैं, एक्सेप्ट टर्मरिक पाउडर, हम यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया, ये सब ऐड कर सकते हैं, बट हम पालक पनीर में बहुत सारे मसाले ऐड नहीं करते। सो यहाँ पर बस ये हमने ऐड किया है, हल्दी का पाउडर थोड़ा सा, और फिर से अगेन हम इसको बहुत अच्छे से सेकेंगे, और जब ये अच्छे से सिक जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पानी थोड़ा सा गर्म करके रखा था वो, क्योंकि हम पालक में बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करते वैसे तो, लेकिन यहाँ पर हम गर्म पानी ही ऐड करेंगे। अब ये मसाले को हम थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में लेके आएंगे क्योंकि अभी ये मसाला एकदम से सूख सा गया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे, और देन जो हमने पालक पीस के रखी है, जो प्यूरे बना के रखी है, हम उसको ऐड करेंगे। सो पहले ढक के इसको थोड़ा पका लेंगे, कच्चापन किसी चीज़ में भी नहीं रहना चाहिए, तो सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पर बस ये अच्छे से इसमें बॉयल आ गया है, अब हम अपनी जो पालक हमने पीस के रखी थी, प्यूरे बना के रखी थी, अब हम उसको ऐड करेंगे। सो बेसिकली मसालों के साथ यही होता है कि आप पालक पनीर में गरम मसाला ये वो सब कुछ ऐड कर सकते हो, बट हम इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे हैं, सिंपल पालक पनीर बना रहे हैं, कोई भी बना सकता है। तो यहाँ पर हमने अपनी जो प्यूरे है पालक की उसको भी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इसमें पानी नीचे प्यूरे था तो ऐड करके इसको भी मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे बढ़िया सा एक बॉयल आने देंगे, और जब अच्छे से इसमें बॉयल आ जाएगा तो हमारी ऑलमोस्ट
उस पालक पनीर की जो सब्जी है वो बन के, क्योंकि ग्रेवी एक बार तैयार हो गई तो पालक पनीर तो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, थोड़ा सा सेल्फ फ्राई करके ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो रॉ पनीर भी क्यूब्स करके ऐड कर सकते हो। सो बस यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चला देंगे और बहुत अच्छे से इसमें बॉयल आने देंगे। बॉयल आ जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे हम अपने पनीर के जो क्यूब्स हमने शैलो फ्राई करके रखे हैं वो। सो बस ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। सो बस यहाँ पर हम अपने पनीर के क्यूब्स भी इसमें ऐड कर रहे हैं और इसे ढक के फिर से कम 5-7 मिनट और पका लेंगे। अब पालक वगैरह सब पकी हुई है, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा और अच्छे से बॉयल आ जाने दें, और हमने इसको 2-3 मिनट और अच्छे से पका लिया था। पालक वैसे ही पकी हुई है तो इसको बहुत ज़्यादा अब नहीं पकाना है। सो बस एक दो बॉयल आ जाएंगे सो ही हम बस इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा ये कसूरी मेथी। और हाँ, हमने पालक जब पीसी थी ना तो उसमें थोड़ी सी दो ग्रीन चिली भी ऐड की थी, तो अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो नहीं भी ऐड करो, आप रेड चिली भी कर सकते हो, बट हमने पालक प्यूरे में ग्रीन चिली ऐड की थी दो। और ये हमारी पालक पनीर बन के एकदम रेडी है, सर्व करने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर बस हम अपनी रोटियां भी बना के तैयार कर लेंगे और बस पालक पनीर और रोटी ही हम सर्व करने वाले हैं आज के डिनर में। सो ये हमारा शाम का डिनर था और आपके साथ हमने शाम का ही वेदर भी आज शेयर किया और त्रिशिका की थोड़ी सी नॉटी नॉटी सी हरकतें भी शेयर की। सो ये था आज का वीडियो और ब्लॉग। सो यहाँ पर हमारी रोटियां भी बनके तैयार हैं, अब हम सर्व कर लेंगे अपना डिनर। और ये वीडियो और ब्लॉग आपको कैसा लगा आप बता सकते हो कमेंट के थ्रू, और अगर आपको इस वीडियो और ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।